अगर आपको अच्छी पाचन शक्ति चाहिए, मींस डाइजेशन आपका अच्छा हो, आप चाहते हैं कि आपका लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी सारे अच्छे ढंग से कार्य करें और यंग रहे, स्वस्थ रहे, आप अपने कंधों को मजबूत करना चाहते हैं, स्पाइन को फ्लेक्सिबल और मजबूत बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में प्रॉपर बना रहे, तो एक आसन भुजंग आसन का अभ्यास नित्य प्रतिदिन करिए। कैसे करना है देखिए, इतने से ले जाएंगे पेट के बल, हाथों को सही करना बहुत आवश्यक है, हाथों को छाती के बाहर रखेंगे, चिन जमीन पे रहेगी, अब हाथों को इस तरह से नहीं ऐसे अंदर रखेंगे एल्बो को और श्वास भरते धीमे धीमे, अब जहां तक स्पाइन से उठ सके वहीं तक उठिए। बहुत लोग ऐसे भुजंग आसन करा देते हैं, वो गलत है, आप जहां तक पहले शुरू में स्पाइन से उठ सके, अभी आपका स्पाइन से इतना ही हो रहा है, इतना है, उसको चेक कैसे करेंगे, अब इतना उठे ये हाथ को इतना कर लिया, इसका मतलब आपका स्पाइन यहीं तक हो रहा है, तो आप यहीं तक उठिए बस, फिर धीरे धीरे आपके स्पाइन की जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आप इस तरह से हो जाएंगे, लेकिन इस तरह से इतना ही रहिए और कम से कम 2 से 3 मिनट तक एक बार में रहने का प्रयास करिए, एक बार में नहीं होगा, धीमे धीमे बढ़ाइए इसको, 30 सेकंड से शुरू करके 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कम से कम 3 मिनट ऐसा रहिए, सुबह और शाम रहिए, आपको सारे रोगों से मुक्ति मिलेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे।